दिवाली का त्यौहार हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आता है। हर साल जब दिवाली का त्यौहार आने वाला होता है तो चारों तरफ बिल्डिंग, घर इत्यादि सजने लगते हैं और घरों से लेकर बाजारों तक में अलग ही रौनक छा जाती है। हर दिवाली का पर्व अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। दिवाली से पहले और बाद में कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जिनकी अलग ही महिमा है। साधारण भाषा में कहें, दिवाली आने से पहले ही तीज और त्यौहार का दौर शुरू हो जाता है जो दिवाली के 2-3 दिन तक जारी रहता है। दिवाली के इस विशेष त्यौहार के लिए हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर किसी का सबसे महत्वपूर्ण और पसंदीदा त्यौहार है। दिवाली भारत का सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर त्यौहार है जो पूरे देश में हर साल मनाया जाता है। रावण को पराजित करने के बाद 14 साल के निर्वासन के लंबे समय के बाद भगवान राम अपने राज्य अयोध्या में लौटते हैं। लोग आज भी इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। भगवान राम के लौटने वाले दिन अयोध्या के लोगों ने अपने घरों और मार्गों को बड़े उत्साह के साथ अपने भगवान का स्वागत करने के लिए प्रकाशित किया है। ये एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो बुरेपन पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन बाजारों को एक दुल्हन की तरह रोशन किया जाता है ताकि वो इससे एक अद्भुत त्योहार दिख सके। इस दिन बाजार बड़ी भीड़ से भरा होता है, विशेष रूप से मिठाइयों की दुकानें। बच्चों को बाजार से नए कपड़े, पटाखे, मिठाई, उपहार, मोमबत्ती और खिलौने खरीदने को मिलते हैं। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और त्योहार के कुछ दिन पहले रोशनी से जगमगाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्यास्त के बाद लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं दिवाली के त्योहार में सभी 5 दिनों में खाद्य पदार्थों और मिठाइयों के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। लोग इस दिन पासा, कार्ड गेम और कई अन्य प्रकाश के खेल भी खेलते हैं। वो अच्छी गतिविधियों के करीब आते हैं और बुरी आदतों को दूर करते हैं।